2-0 से आगे भारत पा चुका है वेस्ट इंडीज पहले दो मुकाबले में और भारत के लिए अब से हर मुकाबला कर दिया है डू और डाई। भारत को हल्का एहसास दिलाया कि हम भी हैं यहाँ आए खेलने को, इसका भारत को अच्छा अनुमान लगाया क्योंकि यहाँ पर भारत ये मुकाबले में तो टॉस जीता और उसके बावजूद मुकाबला को हार उनको देखने पड़ी, जहाँ पर भारत पहले बल्लेबाजी का जो निर्णय किया लेकिन इंटेंट का जो बात है ना, आप जो युवाओं से आप जो चाहते हैं, जो युवा तो है नहीं, जो खिलाड़ी आपके नए हैं आप उनसे चाहते हैं कि हम नए T20 ब्रांड में खेलना चाहते हैं, ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलना चाहते हैं, लेकिन वो नज़र नहीं आ रहा है। एक दो खिलाड़ियों को छोड़ के अगर ये टीम की बात की जाए, अगर इससे बढ़िया तो ये था कि रोहित शर्मा विराट कोहली के साथ ये टीम खेले तो ज़्यादा अच्छा करती नज़र आ रही थी, ये नज़र आता है। और यहाँ पर अगर बात करें तो टीम ज़रूर इन लोगों के लावा देखना चालू कर दिया है लेकिन भारत को अभी तक वो इसी में अभी तक वो 11 मिला नहीं है जो उनके लिए बेस्ट है, क्योंकि नहीं तो अभी तक तो आप ये मानते आए थे कि ये आपका बेस्ट 11 होगा, लेकिन अब तो आपको हल्का सा डगमगाता नज़र आएगा क्योंकि ये श्रृंखला में आप पहले तो मुकाबले हार चुके हैं। और यहाँ पर पहला जो अभी भारत बल्लेबाजी करने को आया तो भारत 152 तक ही पहुँच पाया और वहाँ तक कैसे पहुँचा, तिलक वर्मा ये श्रृंखला में जिन्होंने किया अपना डेब्यू अपना दूसरा मुकाबला में है अपना मेडन T20 आई शतक जड़ दिया है पहला, इन्होंने 41 बॉल में 51 रन इन्होंने बनाया 124 के स्ट्राइक से खेलते नजर आए। हार्दिक पांड्या ने 18 गेंदों में 24 रन बनाया, लेकिन उसके बाद अगर बात करें ईशान किशन 23 गेंदों में 27 रन 117 का स्ट्राइक रेट मिडलिंग का, सुमन गिल का एक और बार हमने को मिडलिंग परफॉर्मेंस देखा 77 के स्ट्राइक रेट से 7 रन उन्होंने बनाए 9 गेंदों में। सूर्य कुमार यादव तो अपने ऊपर कुल्हाड़ी पर लेकर भाग गए, अपने आप को खुद ही विकेट अपना देकर जाने गए, वो खुद अपने कॉल पर भागे अपने कॉल पर वो आउट हुए रन आउट हो गए। तो 3 गेंदों में उन्होंने 1 रन बनाया। तिलक वर्मा तो गजब की खेली पारी, उन्होंने अच्छी पारी खेली डेब्यू में, डेब्यू सीरीज अभी तक उनका ठीक ठाक जा रहा है। संजू सैमसन भी अपना मौका गंवाते नजर आ रहे हैं, 7 गेंदों में 7 रन उन्होंने बनाया 100 की स्ट्राइक रेट से। हार्दिक पांड्या ने 133 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। अक्षर पटेल ने 12 गेंदों में 14 रन बनाया 116 की स्ट्राइक रेट से 1 चौका लगाया। रवि बिश्नोई ने 4 गेंदों में 8 रन बनाए और हरदीप सिंह ने 3 गेंदों में 6। बात करें गेंदबाजों की तो अखिल हुसैन ने 2 विकेट चटकाया, अजारी जोसफ का जो पिछला मैच हाई उनका लिए गया था ये मुकाबले में जो लो गया था ये मुकाबले में हाई गया, 2 विकेट उनके खाते में नजर आई। जेसन होल्डर ने 4 ओवर में 29 रन दिया। रोमियन शेफर्ड ने 3 ओवर में 28 रन देकर 2 विकेट चटकाया और कायल मेयर ने 1 ओवर में 12 रन दिए। तो ये था हिस्से में और जब आई वेस्ट इंडीज़ की बल्लेबाजी तो निकोलस पुरन ने अकेले संभाला भार और उन्होंने लेकर गए टीम को पार। 40 गेंदों में 67 रन की उन्होंने शानदार पारी खेली। ब्रैंडन किंग का विकेट जल्दी हार्दिक पांड्या ने चटकाया। कायल मेयर ने 7 गेंदों में 15 रन बनाया। जैक क्रांस 2 रन उन्होंने बनाया। निकोलस पुरन ने 40 गेंदों में 67 बनाया जिसके अंदर 6 चौके और 4 चौके 4 छक्के शामिल थे। रोमन पावल ने 21 रन बनाया 19 गेंदों में। हेटमायर ने 22 गेंदों में 22। रोमियन शेफर्ड रन आउट हुए, एक भी गेंद उन्होंने नहीं खेला। जेसन होल्डर का भी 3 गेंदों में वो चहल के शिकार बने। अकील हुसैन ने 10 गेंदों में 16 रन बनाया और अलजारी जोसफ ने 8 गेंदों में 10। 3 विकेट हार्दिक पांड्या के खाते में। 4 ओवर उन्होंने पूरा डाला। अर्शदीप सिंह ने 4 ओवर में 34 रन देकर 1 विकेट चटकाया। मुकेश कुमार ने 3.5 ओवर में 35 रन देकर 1 विकेट चटकाया। रवि बिश्नोई जो कुलदीप यादव की जगह खेले वो 4 ओवर में 31 रन उन्होंने खाया। युजवेंद्र चहल ने 3 ओवर में 19 रन देकर 2 विकेट उन्होंने चटकाया। यहाँ पर क्या टीम क्या सोच रही थी समझ नहीं आया क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ क्या ये हार्दिक पांड्या के सोच में क्या ये था, क्या वो चहल से लास्ट ओवर करवाने वाले थे, ये एक तो आपको देखने नहीं मिला। लेकिन यहाँ तक अगर मैच जाता तो क्या ये आपको देखने का प्लान था। यहाँ पर आपने अपने सारे गेंदबाजों का क्या ठीक से इस्तेमाल किया, ये एक तो सवाल पूछने लायक होगा हार्दिक पांड्या को अपने आप से। यहाँ पर ये हल्का सा मुझे चौंकाते नजर आया। तो ये अभी ये वाला बात था जहाँ 2-0 से हो गया है वेस्ट इंडीज़ ये श्रृंखला में आगे। आप अभी देख रहे हैं क्रिकेट विद डायमंड गोयनका। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।